बुरहानपुर जिले के महिला बाल विकास विभाग ने कुपोषण के खिलाफ एक अनूठी पहल की है और जिसमें सामाजिक संगठनों को भी इस जंग में शामिल किया जा रहा है। दरअसल आंगनवाड़ी केंद्रों को समाज का समर्थन देकर बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इस पहल से समाज के लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वे अपने गैर जरूरी संसाधन आंगनवाड़ी केंद्रों में दान करें। यह न केवल बच्चों के मनोरंजन और शिक्षा को प्रोत्साहित करेगा बल्कि उनके स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसी दौरान युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव देवेश्वर सिंह ठाकुर ने यह संदेश दिया कि अतिरिक्त सामान आंगनवाड़ी केंद्रों में दान कर समाज में योगदान दे। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, आज मेरे पोते हिमावतवीर सिंह का पहला जन्मदिन है, तो मैं समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हर सक्षम व्यक्ति को आके आंगनवाड़ी में अपने बच्चों का, पोतों का, अपने परिवारजनों का जन्मदिन मनाना चाहिए। उसके पीछे उद्देश्य ये है, जो कुपोषण है, जो सरकार नहीं कर पा रही 100%, उस कुपोषण को भी दूर करने का, उनको अच्छा हेल्दी खाना, फल फ्रूट और सब तमाम चीजें खिला के और उनको खूब सारा प्यार देके हम उनका सहयोग कर सकते हैं और इस तरह से कुपोषण भी समाज से दूर होगा और इन बच्चों के साथ हमारा जो इंट्रैक्शन होता है उससे उनका भी आत्मविश्वास बढ़ता है और ये बच्चों के साथ रह के हमें भी अति आनंद की। ये मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है और ठाकुर परिवार में हमको अच्छी शिक्षा और लोगों की सेवा हमेशा बचपन से सिखाया जाता है और बुरहानपुर में मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ कि आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है और हम बहुत बड़ी पार्टी भी रख सकते थे, बहुत खर्चा भी कर सकते थे, मगर उसकी जगह मेरी बड़ी दीदी है, ज्योति दीदी, इनने मेरे को बताया कि जो हमने घर में एक नया टीवी लिया है कुछ टाइम पहले, तो जो नया टीवी आया तो पुराना टीवी जो था वो घर में पड़ा हुआ था, तो पुराने टीवी का आज हम कोई कार्य उसका कुछ है नहीं, तो उसको हमने उठा के आज इधर दे दिया है ताकि छोटे जो आंगनवाड़ी के बच्चे हैं वो टीवी के माध्यम से भी अच्छी शिक्षा ले सके, दुनिया के बारे में जान सके, एक्सपोजर मिल सके।